आप सभी का स्वागत है इंडिया 24/7 लाइव टीवी में। मैं हूं आपके साथ मधुमिता। देश में दिन प्रतिदिन लफ्जिहाद की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। मुस्लिम शख्स हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए कई प्रकार की हरकतें करते पकड़े जा चुके हैं। हालांकि ऐसे कुछ मामलों में लड़कियों की नासमझी भी उन पर भारी पड़ जाती है। हर दिन लफ्जिहाद से जुड़ी ऐसी कई घटनाएं सामने देश से आती रहती हैं। लेकिन अगर सोशल मीडिया और समाचार पत्रों पर नजर डालें तो ऐसी घटनाएं सबसे ज्यादा दिल्ली में घटित हो रही हैं। हाल ही में अगर बात करें तो दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में हुए साक्षी हत्याकांड ने देश को झकझोर कर रख दिया। इसका आरोपी शाहिल है, साक्षी और साहिल दो अलग अलग समुदाय के लोग। दिल्ली से ही एक और वीडियो सामने आ रहा है। ये मामला भी लफ्जिहाद से जुड़ा है, लेकिन यहाँ ये मामला बिल्कुल अलग है। वीडियो में हिंदू लड़की मुस्लिम युवक के साथ नजर आ रही है। वीडियो बना रहा शख्स स्वयं को बजरंग दल का कार्यकर्ता बता रहा है, जो मुस्लिम शख्स को ऐसा गलत काम करने से रोकने का प्रयास कर रहा है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि लड़की उल्टा उसे ही धमका रही है। आइए देखते हैं ये वीडियो। क्या नाम है? घर जा। नाम क्या है? इधर आना। तू मेरे को नहीं जानता। मैं जानता हूँ भाई, अच्छी तरीके से अंदर से जुड़ा हुआ मैं भी। बहुत देर से देख रहा हूँ वहाँ पे, तो उसको मार रहा था। नाम क्या है? घर जा। नाम क्या है इधर? आप पहले बहन, नाम क्या है तुम्हारा? हाथ मत लगा इसे, मार देगा। नाम क्या है तुम्हारा ये बताओ पहले। प्रिया नाम है। और ये मुसलमान है? तो तुम्हें से क्या मतलब? तुम्हें शर्म नहीं है बिल्कुल? क्या अभी कैसे नहीं सुना तुमने? मतलब क्या? वो तो तुम्हें पता चल जाएगा ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, वो तो पता चल जाएगा। अरे ठीक है, वो तो पता चल जाएगा, कोई बात नहीं। तुम वहाँ से वहाँ पे इतनी देर से मार रहे हैं, जब तो कुछ नहीं सुने। कोई नहीं, कोई नहीं, मारना भाई, मार दो, मार ले, मार मार। ओ सुने, तू छोटे का भतीजा है ना? हाँ, कुछ भी हो। मैं वीडियो संजू तिवारी नाम के शख्स ने ट्विटर पर साझा किया है। वीडियो में मुस्लिम शख्स हिंदू लड़की को धक्का देकर घर जाने की बात कहता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बजरंग दल का कार्यकर्ता बताते हुए मुस्लिम शख्स से बोलता है, बहुत देर से देख रहा हूँ तो सबको मार रहा है। फिर वह लड़की को वापस बुलाकर उससे बातचीत करने का प्रयास भी करता है। वहीं इस बीच मुस्लिम युवक लड़की को चिल्लाकर घर जाने के लिए बोलता है। वहीं स्वयं को बजरंग दल का कार्यकर्ता बता रहा शख्स लड़की से उसका नाम पूछता है। इस पर लड़की अपना नाम प्रिया बताती है। फिर वह लड़के से बोलता है कि यह लड़का मुस्लिम है और तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? अभी तुमने केस नहीं सुना? तुमने शायद वो दिल्ली के शमशाबाद क्षेत्र में हुई साक्षी की हत्या की बात कर रहा है। इस पर लड़की बोलती है, ये मुस्लिम है, इससे तुम्हें क्या मतलब है? एक वीडियो वायरल हो गया तो तुम बतगड़ बनाकर जाओगी, ये मेरे साथ है, चाहे कुछ भी हो। इस पर वीडियो बना रहा शख्स बोलता है कि वो तुम्हें इतनी देर से मार रहा है, तब तुमने कुछ नहीं किया। इस पर लड़की पलट कर जवाब देती हुई बोलती है, वह मुझे यहाँ भी मारेगा, बोल क्या करेगा तू। फिर लड़की चली जाती है। इसके बाद मुस्लिम शख्स वीडियो बना रहे व्यक्ति को धौंस दिखाते हुए कहता है कि वह दिल्ली क्राइम प्रेस में काम करता है। हालांकि जब उसे आईडी प्रूफ मांगा गया तो वो कुछ भी बोलने से जगा फोन पर बात करते हुए नजर आता है। साक्षी मर्डर केस को लेकर अलग अलग अपडेट सामने आ रही हैं, लेकिन जो बड़ी अपडेट ये है, इस हत्याकांड को लेकर चारों ओर काफी रोष देखा जा रहा है। और अब थोक पाइप विक्रेता समिति के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने कहा है कि काशी के प्रमुख व्यापार मंडलों ने निर्णय लिया है कि साक्षी हत्याकांड का मुकदमा वाराणसी का व्यापारी समाज लड़ेगा। व्यापारी लगातार इस बर्बर हत्याकांड की तीव्र निंदा और हत्यारे को शीघ्र फांसी की देने की मांग कर रहे हैं। शर्मनाक घटना से व्यापारियों ने दुकानें बंद करने का भी ऐलान किया है। व्यापारी सोमवार को सुबह से श्री राम मशीनरी मार्केट की समस्त दुकानें 12 बजे तक बंद रखने का ऐलान किया है। मार्केट से पैदल मार्च करते हुए एसपी कार्यालय पहुंचेंगे। तो ये थी एक बड़ी अपडेट साक्षी से संबंधित, साक्षी मर्डर केस से संबंधित। और आपको